क्लास तो छोटी सी है, अधूरी अधूरी सी। कौन सीनियर मेंबर नहीं आए हुए? डॉक्टर वो तो सेंट्रल मेंबर है ना। नईमा तो नहीं हुए हैं, बच्चे की शादी कराने के लिए पाकिस्तान। और कौन रह गया? ये लाइन इधर की खाली पड़ी है, इनमें वो हमारे हमदा फारूकी, फरद वाकर और तूबा, ये तीन इस लाइन में बैठे थे। चलिए फिर शुरू करें। यहाँ सब आ गए हैं? यहाँ वो नहीं आई एजाज, मंजूर एजाज नहीं है तो एजाज साहब की बेगम वो नहीं ना, वो भी आई तभी खाली खाली जगह। आशा की सारी इकट्ठी आ रही जी, आशा की सारी इकट्ठी आ रही है। अच्छा, वो बच्चा भी माता थोड़ी देर के बाद। आशा का भी मुझे फोन आया था, मैंने उसको नुस्खा बता दिया था। वो दबे की कैफियत तो खुदा से ठीक हो गई है, लेकिन कुछ खांसी कहती थी कुछ ज्यादा हुई है। आगे आपको देखते हैं, आपके मैं आपको याद कर रहे थे जब आप आई हैं। मंसूरा भी साथ है? ठीक है, ठीक है। आज मेरे पास सेंग्विनेरिया है, सीपिया है, सिलिशिया है। अभी तक सिलिशिया नहीं पढ़ाई थी? मैं हैरान हूँ देख के, बातें तो उसकी बहुत हुई हैं लेकिन बकायदा आलम सबक नहीं दिया इसका। तुम मंसूर ठीक बात है? सलीम तुम क्या कहते हो? डर के बारे में बात कर रहे हैं, खातन कह देंगे अब सदन में आ चुका है केस। डॉक्टर साहब भी आ गए, इमाम साहब की बेगम। हाँ अब तो शुरू कर देते हैं फिर, आप मुझे इंतजार की जरूरत नहीं। क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर साहब के पास होती है आपको डेट लिस्ट, उन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, सेंग्विनेरिया में पढ़ा चुका हूँ या पढ़ा रहा था? शुरू की थी, शुरू की थी। सेंग्विनेरिया में अमूमन सर दर्द गुदी से शुरू होती है और फिर दाई आंख के ऊपर सेटल हो जाती है। आमतौर पर ऐसी सरदर्द जो गुदी से शुरू होकर दाई आंख पे सेटल हो सेंग्विनेरिया की याद कराती है, और अगर बाएं आंख पे हो तो उस पैजीरिया की। लेकिन सेंग्विनेरिया की बीमारी जो है वो खून की खराबियों या उसके दौरान की खराबी से ताल्लुक रखती है। पैजीलिया हमेशा नर्व्स की सेंसिटिविटी, उसकी जूद हिसी के नतीजे में जो बीमारी सरदर्द पैदा उससे ताल्लुक रखती है, और उस लिहाज से इनके अंदर मिजाज में फ़र्क है। सेंग्विनेरिया में थ्रॉबिंग जो पल्सेटिंग हेडेक ज़्यादा होती है, और स्पाइजीरिया में लहरें दर्द की उठती हैं जैसे बिजली के कौंजे चमक रहे दौड़ रहे हों, इधर उधर लपकते हों बिजली के कौंजे, बहुत वो है तेज काटने वाली तीर की तरह चलने वाली दर्दें। सेंग्विनेरिया में लैकिसिस से ये अलाउंस मिलती है कि वहाँ भी कहते हैं सोने में इंसान अपनी मर्ज में की तरफ सोता है, यानी मर्ज सो के आँख खुलती है तो मर्ज अपनी पूरी ताकत से कब्जा किए होती है। नींद मर्ज को बढ़ाती है, और अच्छा भला सोया और मर्ज के साथ इंसान उठा, ये सेंग्विनेरिया में भी बात पाई जाती है। सांपों में तो बिलमूम हर सांप के जहर में ये बात है कि नींद आराम की बजाय तकलीफ बढ़ाती है, और सेंग्विनेरिया में भी आंख खुलती है दर्द के साथ। जलसीम में भी बाद दफ़ा सुबह दर्द शुरू होती है, लेकिन मेरा तजुर्बा है कि जलसीम में रेगुलर नींद के बाद दर्द सुबह नहीं होती शुरू, हमेशा जब नींद के अवकात में तब्दीली वाक़िया हुई हो या खाने पीने की
کہ اوقات میں آگے پیچھے ہو جائے کچھ, یا پھر صبح درد نہیں ہوتی لیکن صبح اگر ناشتہ اگر مس کر جائیں اور عادت ہو صبح چائے پینے کے وقت کے اوپر, تو پھر جیسی ہی ان کی درد شروع ہو جاتی ہے. اور شام کی چائے کی جن کو عادت ہے وہ دیر میں پئیں یا نہ پئیں پھر بھی درد جیسی میں بھی قبضے کی درد ہے. تو اس طرح اگر بیماری کی تفصیل کو ذہن نشین کر لیں تو دوائی معلوم کرنا مشکل نہیں, اور پھر دوا ضرور اثر کرتی ہے. کوئی اس میں کمپلیکیٹڈ معاملہ ہو, کوئی اور قسم کی بیماری بھی اس میں اثر انداز ہو, ورنہ نارمل طریقے پر نیند سے جب بیماری میں آنکھ کھلے تو لیکسس اور سینگولیریا اور بھی بعض ہیں جو آپ کو پڑھا چکا ہوں میں. صبح اٹھتے وقت جو تکلیف پڑتی ہے, اگر دماغ کا کنفیوژن زیادہ ہے تو اس کے لیے کیا بتائی تھی, صبح زیادہ ہو, حالانکہ الٹی بات ہے, رات کو زیادہ ہونا چاہیے ایسکولس. تو اس طرح صبح کے اٹھنے کے وقت کون کون سی تکلیفیں بڑھتی ہیں, اور شام کو سارا دن کے بعد کیا تکلیفیں بڑھتی ہیں. صبح کی سر درد میں سے لیٹرمور کی درد بھی ہے لیکن وہ آنکھ کھلنے پر ہی شروع ہوتی ہے, وہ 9 بجے کے لگ بھگ درد شروع ہوتی ہے اور پھر شام تک چلتی ہے اور رات سے پہلے پہلے اس کو سکون مل جاتا ہے. گلوناین بھی دوپہر ہی کی درد ہے, جو دن کی درد ہے, لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ لیٹرمور کا ضروری نہیں کہ دھوپ سے تعلق ہو, گلوناین کا اکثر اوقات دھوپ لگنے سے تعلق ہے. اور گرمیوں میں اگر صبح لیٹرمور اور گلوناین کی ایک خوراک کھا کے باہر جایا جائے تو پھر ہیٹ اسٹروک نہیں ہوتا. ایک تو پانی کا گلاس ضرور پینا چاہیے. اب پاکستان یا مشرقی علاقوں میں اب گرمیاں آ رہی ہیں اس لیے میں سمجھا رہا ہوں, صبح جب بھی نکلیں ضرور پیاس ہو یا نہ ہو پانی کا ایک گلاس پی کے نکلیں اور گلوناین اور لیٹرمور یہ خوراک کھا لیں. اس کے ساتھ بعض دفعہ جرسینیم, بعض دفعہ آرسنک, یہ بھی مددگار ہے اور اچھا کمبینیشن ہے. سینگولیریا میں متلی اور خواہ ہوتی ہے لیکن اسپائجیلیا کے دردوں میں صرف اعصابی دردیں ہیں, ان میں میدے کی انوالومنٹ کو نظر نہیں آتی. سینگولیریا کا میں نے کہا تھا نا گرم مزاج, خونی مزاج کی ہے, پسلیا سے ملتا ہے اس کا مزاج. ہاتھ پاؤں کی ہتھیلیاں جلیں گی, باہر نکالنے کو دل چاہتا ہے پاؤں. لیرنگز اور ٹریکیا میں جو کھانسی وغیرہ اس کی ہوتی ہے اس میں درد بہت ہوتی ہے. تو سینگولیریا میں اگر لیرنگز اور ٹریکیا کی انفلامیشن ہو کھجلی کی بجائے, کل میں نے آپ کو کچھ دوائیں بتائی تھی ٹکلنگ اور کھجلی والی, یہ وہ ہے جس میں درد بہت نمایاں ہوتی ہے. بات کرتے ہی بات شروع کریں گے تو اندر سخت درد شروع ہو جائے گی. اس میں سینگولیریا بہت زیادہ مفید ہے بہ نسبت دوسری دواؤں کے. اور کھانسی کے ساتھ لگتا ہے کہ یہاں کچھ ہوا پھنسی ہوئی ہے, وہ جب بیلچ کریں گے تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے اس سے. یہ ہوا کا گولا اوپر چڑھ چڑھ کے تو یہاں گردن کے قریب نیچے پھنستا جاتا ہے, اور جب اس کو نکالتے ہیں تو کچھ ریلیف ملتا ہے. یہ سینگولیریا میں خصوصیت سے ہوتا ہے. یہ یہ دوا اس میں بھی کام آتی ہے, سل میں بھی اور بہت گہری چھاتی کی تکلیفوں میں بھی, لیکن کیوریٹو کے طور پہ نہیں,
بلکہ آرام پہنچانے کے لحاظ سے. جو کیوریٹیو دوائیں ہیں سل کی, یہی وہ سلفر ہے, سلیشیا ہے, گریفائٹس بھی ہے, اور جو نسبتاً آرام پہنچانے والی ہیں وقتی طور پر نہیں بلکہ لمبا بھی پہنچاتی ہیں لیکن کیور نہیں کر سکتی, وہ ہیں پرسٹیلا, سنگنیریا, سینیشو. لیکن سینیشو اورنج نہیں بلکہ گریسیلس, جی آر اے سی آئی ایل آئی ایس, گریسیلس. اور کاکس کیکٹائی بھی, بس یہ وہ دوائیں ہیں جو سیکنڈری مقام کی ہیں, مگر شروع ان سے کرنا چاہیے, اولیت ان کو دینی چاہیے. کیونکہ اگر چھاتی کی بیماریوں میں زیادہ گہری تکلیف ہو تو سلیشیا, سلفر, گریفائٹس وغیرہ بہت زیادہ تکلیف پہنچا سکتی ہیں, اس لیے وہاں کیس بلڈ کرنے کے لیے اس کو تھوڑی سی سہولت دے کر ریئیکشن قبول کرنے کی طاقت دینے کے لیے ان دواؤں سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو بھی ان سے ملتی جلتی ہو. سنگنیریا اور پسٹلا کا تو بہت مزاج ملتا ہے, مگر پھر بھی فرق کیا جا سکتا ہے. سینیشو اورنج کی بجائے سینیشو گریسیلس, جی آر اے سی آئی ایل آئی ایس. اور کاکس کیکٹائی, کاکس کیکٹائی کی خاص علامت کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جب ہومیوپیتھی میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو یہ بھٹی صاحب ہوتے ہیں, جب ایلوپیتھی میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو آپ ہوتے ہیں. بتائیں جی, کاکس نہیں پڑی؟ رشید صاحب سب جہاں دنیا کے پڑھ چکے ہیں. اس میں لمبے دھاگے والی بلغم ہوتی ہے کاکس کیکٹائی میں, جس طرح دھاگا بنا ہوا ہو, لمبی اسٹرنگس بنتی ہیں بلغم کی. اور گردن کے پیچھے اس طرف تناؤ اس میں بہت ہوتا ہے کاکس میں. اور اس کے علاوہ سینسیٹیوٹی بہت ہے گلے کی, اتنی ہی کہ اس کو ڈاکٹر منہ کھول کے وہ چمچہ دیکھ کے رکھ کے لگا کے زبان پر دیکھا کرتے تھے نا, آج کل تو رواج اڑ گیا میرا خیال ہے. ہاں ہاں, چمچے کے ڈپریسر آ گئے ہیں, بلکہ حرکت نہیں ہے ابھی بھی, وہ برداشت نہیں ہوتا اس سے, مریض سے اتنی سینسٹیو ہو جاتی ہے. اور اسی لیے بعض دفعہ پانی پینے سے یا کچھ نکلنے سے وہاں تشنج ہو جاتا ہے. تو کاکس میں یہ بہت نمایاں ہے. اور عام طور پر یہ جو نرم دوائیں ہیں جن سے مرض کو ابتدا میں سنبھالا جاتا ہے, یہ 30 طاقت میں مفید ہیں, زیادہ اونچا دینے کی ضرورت نہیں. سنگنیریا کی الرجی کس چیز سے ہے یہ یاد رکھیں. بات تو عموماً ہوتا ہے بہار میں ہو گئی, خزاں میں ہو گئی, یہ نہ خزاں کی ہے نہ بہار کی, یہ خاص پھول کی ہے, اور وہ ہے روز. گلاب کی الرجی ہو جس کو, اس کے لیے یہ اچھی ہے. اب مجھے پتہ نہیں ابا جان نے استعمال کبھی کی کہ نہیں روم نے, مگر ان کو گلاب کا جو خاص طور پر جو عطر لگا دیتے تھے بعض لوگ شوق میں, میں نے بھی بڑی مشکل سے منع کر کر کے سنبھالا ہے, جان مال بچھا دی اپنی, اور اس کے اوپر دیسی گلاب کا بنا ہوا جس میں کئی اور قسم کی بوئیں بھی شامل ہوتی ہیں, اسے اتنی سخت الرجی تھی کہ شدید سر درد شروع ہو جاتی تھی, اور ہلکا سا بھی ٹچ ہو تو ناک بہت تیز تھا, قوت شامہ بہت تیز تھی مسلم موت کی. جب آپ لوگوں کو بگو نہ بھی آ رہی ہو تو ان کو پتہ لگ جاتا تھا کوئی چیز وہ فلاں پڑی ہوئی ہے. تو یہ جو گلاب ہے یہ ویسے تو بہت اچھا عطر ہے, لیکن جو تیل میں ملا ہوا ہوتا ہے اس میں واقعی ایک ایسی سی ناپسندیدہ چیز آ جاتی ہے اس میں. لیکن بہت اعلیٰ درجے کے جو گلاب ہیں جو خالص گلاب سے بنائے گئے ہیں, ان سے میرا نہیں خیال کسی کو الرجی ہو سکتی ہو, مگر وہ مہنگے بہت ہوتے ہیں. فرانس میں
वो बनते हैं दो किस्म के गुलाब के इत्र। एक वो जो गुलाब के खेतों से बकायदा खालिस उसका अरक निचोड़ के इत्र बनाया जाता है, वो इतना महंगा है कि आम आदमी हाथ ही नहीं लगा सकता उसको। और ये सबसे ज्यादा कोफ के इलाके में पाया जाता गुलाब ऐसा, और वहां एक एक खेत से जो गुलाब का इत्र निकलता है वो एक एकड़ का 50,000 pounds कीमत है उसकी, उसके खुलासे की। और 10,000 pounds तक लोग कमा लेते हैं वहाँ अगर गुलाब अच्छा लगाया हो तो। अब अंदाजा कर लें कि कितना महंगा होगा। वो जो आगे अपने सेंस बनाते हैं वो अगर गुलाब के असल चंद कतरे डाल के बनाए जाएं वो बहुत महंगा सेंस मिलता है, मगर बिलमीन जो बनाते हैं वो सिंथेटिक है। आमतौर पर उन्होंने तमाम खुशबुओं का ब्रेकडाउन करके उनके अंदर जो वॉलेटाइल एसिड्स होते हैं और खुशबुएं रोमेटिक केमिकल्स उनको मालूम कर लिए वो क्या हैं, तो वो लेबॉरेटरी में आसानी से बन जाती हैं। तो ये फिर जाते हैं एक्सपोर्ट होते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान और अरब ममालिक में, फिर खालिस इत्र लिख के अपने हाथ से उसके ऊपर उसको तेल में डाल के आमतौर पर जो ज्यादातर अच्छा तेल इस्तेमाल करते हैं उनमें भी फर्क है ना, इत्र वालों में जो जिनके नाम मशहूर हैं वो ज्यादा संदल का तेल इस्तेमाल करते हैं, संदल का तेल इसका बेस बनता है। और वो जो सस्ता करते हैं वो आम तेल लेते हैं, कुछ मोलसरी कहाँ मोलसरी का तेल लगाते हैं, उसकी तो वो बर्दाश्त ही नहीं होती। जितने चीप इत्र आपने देखे होंगे कभी कि नहीं सुना, कभी देखे भी नहीं, चीप के इत्र जो सस्ते देसी इत्र होते हैं ना जो बस में बेचते हैं। तो ये गुलाब जो है इससे एलर्जी, अब इतनी बातों के बाद भी अगर आपको याद ना हो तो अफसोस है, किस दवा में पाई जाती है? ठीक है, सल्फर सिलिशिया सैंगुइनेरिया तीनों की पीरियोडिक वीकली हेडेक्स इनका खासा है। सैंगुइनेरिया, सल्फर सिलिशिया, सिलिशिया और सैंगुइनेरिया की हेडेक में इश्तबा हो सकता है क्योंकि दोनों राइट साइडेड हैं, सैंगुइनेरिया और सिलिशिया। एक और मैक राइट साइड दवा है जिसका सिलिशिया से मिजाज मिलता है, वह है मैकफॉस। मगर फर्क यह है कि सल्फर और सैंगुइनेरिया की एक ब्रैकेट बनती है क्योंकि दोनों खून के तवाज़ुन बिगड़ने से या खून के अंदर जहरीली मादों की वजह से सिरदर्द पैदा करते हैं। सिलिशिया और मैकफॉस की सिरदर्द जो है वो आसाब से ताल्लुक रखती है ज्यादातर, चेहरे की दर्द होता है तरफ, और सरदर्द हमेशा चेहरे पे जरूर आती है, वो पीछे की बजाय यहाँ उतरती है इन इलाकों में। उसमें मैकफॉस और सिलिशिया बहुत इफेक्टिव हैं। अगर ज्यादा गहरी तकलीफ के नतीजे में हो तो सिलिशिया वरना मैकफॉस, और दोनों को ठंड से तकलीफ बढ़ती है। सैंगुइनेरिया को सर्दी से आराम आता है और तमाजत वाली दर्द है इसलिए कोई पहचान मुश्किल नहीं है। और आसाब की दर्द अगर बाई तरफ हो इसी किस्म की मिलती जुलती जो सिलिशिया या मैकफॉस से ताल्लुक रखती है, वो क्या चीज है? स्पाइजीलिया। तो सातवें दिन की पहचान भी इनकी है, सैंगुइनेरिया सिलिशिया सल्फर, और आर्सेनिक भी सातवें दिन की दवा है। लेकिन आर्सेनिक की दर्द सर दर्द आर्सेनिक में जो दौरे हैं वो 7-7 दिन के वक्फे के साथ आते हैं, यानी ये 7 दिन
या 7 जमा 7 14 या बार दफा 7 जमा 7 21। तो टाइफाइड जो आर्सेनिक के साथ ताल्लुक रखता हो उसमें भी यही दौर है, और उसके बदला शराब जो पीछे रह जाते हैं उसमें भी ये दौर मिलता है। तो सर दर्द जो 14 दिन के बाद हो, ये बहुत रेयर चीज है, हर 14 दिन के बाद जरूर हो, ये आर्सेनिक से ताल्लुक रखती है, और किसी दवा में 14 दिन का फेर नहीं, 14 दिन का फेर नहीं मिलता इसमें है। सेमिनरी अमून दाएं तरफ की दर्द है, मगर बाएं को भी क्योर कर देती है अगर बाकी सिम्टम्स मिलती जुलती हों। अब आपने देखा होगा बाल लोगों को ये फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ होती है, इसमें अमूमन मैंने देखा आर्निका और ब्रानिया दाएं तरफ मैं देता हूं तो कुछ अरसे में फर्क पड़ता है, काफी फायदा पहुंचता है, लेकिन सेमिनेरिया भी इसमें बड़ी अहम दवा है। राइट साइडेड फ्रोजन शोल्डर में जोड़ जम जाता है, जरा सा बाजू यहाँ आए तो तकलीफ शुरू हो जाती है। आर्निका और ब्रानिया मिलाकर एक कम्बिनेशन है जो राइट साइडेड फ्रोजन शोल्डर में, और बाईं तरफ में आर्निका लैकेसिस, ये दोनों मिलाकर, और दाईं तरफ में एक और दवा है जो सेंगिनेरिया है, ये भी दाईं तरफ के शोल्डर के लिए अच्छी है। ये जो आर्निका और ब्रानिया शोल्डर है उसमें शोल्डर ही तकलीफ उठाता है, इर्द गिर्द दर्दें फैलती नहीं है, अगर आराम से पड़ रहे हैं तो दर्द दबी रहेगी, जब बाजू उठाएंगे यहां तक पहुंचेगा तो फिर दर्द शुरू हो जाएगी, ये बाजू में जल्दी शुरू हो जाती है। लेकिन सैंग्विन एरिया में ये बहुत नुमाया फर्क है कि गर्दन का दायां हिस्सा और कमर के पीछे भी वो सारे मसल स्टिफ हो जाते हैं, और सिर्फ शोल्डर को तकलीफ नहीं होती बल्कि वो जो कम्बिनेशन है मसल्स का जो शोल्डर की हरकत में हिस्सा लेता है वो उन सब आसाब में तकलीफ होती है, तो सेंगिनेरिया इसलिए पहचानी जा सकती है। अगर सुबह आंख खुले, जिस तरह फौजिया की बेटी की आंख खुली थी तो दर्द शुरू हो चुकी थी शोल्डर में, नेक में हो गई थी टेढ़ी है, मगर उसका ट्रोमा था, उसको किसी बच्ची ने स्कूल में धक्का दिया था अचानक, उसकी वजह से तकलीफ हुई थी, उसमें बेलाडोन और आर्निका बेहतर है, सेंगिनेरिया नहीं। सेंगिनेरिया बैरूनी सदमे से नहीं होती बल्कि अंदरूनी तकलीफ है, और अगर बैरूनी सदमे से इस किस्म की कोई तकलीफ पहुंची हो या रात सोते में तकिया निकल गया है, गर्द सिर किसी ऐसे जाविये पे आ गया है जिससे वो कहते हैं पट्ठा चलना, तो उससे अगर तकलीफ हो तो उसमें आर्निका और बेलाडोना ये बहुत मुफीद फौरी असर करती हैं। इसका चेहरा अमूमन इसके मरीज का, जब हम कहते हैं ना इसका चेहरा दवा का चेहरा, तो मुराद उससे ये मुहावरा बना हुआ होम्योपैथी में, मुराद ये कि दवा का मिजाज ऐसा है कि इसके मरीज का चेहरा ऐसा होगा। तो इसका चेहरा सूख होता है, और सुर्ख चेहरे में जो तमालत होती है सुर्खी, ये और किस दवा में नुमाया है? हाँ बेलाडोना में है, लेकिन बेलाडोना का तो सारा सर जकड़ा हुआ और एकदम सिर पे हमला, उसकी बात नहीं मैं कर रहा, मुस्तकिल बाल लोगों के चेहरे पर एक बीमार सी सुर्खी आ जाती है, नहीं फरम
फेरम, सिर्फ एक फेरम फॉस नहीं बल्कि फेरम की दवाएं जितनी हैं जिनमें आयरन का एलिमेंट पाया जाता है उसमें चेहरे पर एक ग्लो मिलता है और इसमें भी ग्लो मिलता है चेहरे पर इसमें सेंगुनेरिया में। लेकिन इन दोनों में फर्क कैसे करेंगे? फर्क यह है कि सेंगुनेरिया हरकत से तकलीफ बढ़ती है खासतौर हरकत हो, लेकिन फेरम के मरीजों में आहिस्ता आहिस्ता हरकत से रफ्ता रफ्ता आराम आना शुरू हो जाता है, तेज हरकत तकलीफ देती है। ठीक है, वजह तुम एक्सपर्ट भी होगी इसकी टेलीविजन की भी क्या बंद करनी थी? अच्छा, वो हमारी आवाज नहीं बंद होगी साथ? वो किस तरह आनी शुरू होगी बीच में? नहीं भाई, अच्छी बात तो नहीं ना, वो हमारे कैमरे के साथ लिंक है ना, जो आपको जाता है वहाँ से अब करवा दिया? हाँ जी, ठीक कर दिया। खाने की बेहतियातियाँ, रिच फूड से सर दर्द, ये सब पसलिया की अलामतें इसमें पाई जाती हैं और पसलिया से इसका फर्क ज़रा मुश्किल है। स्वास्थ्य के पसलिया में रोना ज़्यादा है, नरमी बहुत ज़्यादा है। एसिडिटी डिस्चार्ज में भी तेजाबी मादा पाया जाता है, खासतौर पर ये फैटी फूड से जो मेदे में तेजाबियत होगी, लेकिन इसके जो आंखों से पानी या दूसरी जगह से डिस्चार्जेस होते हैं उनमें भी तेजाबी मादा पाया जाता है। आमतौर पर एसिड स्टमक में उपकरण भी लोगों को आती हैं, लेकिन इसका एसिड जो है मेदे के अंदर तेजाब वो इतना तेज होता है कि अगर बेल्ची करेंगे या छोटी सी उल्टी करें तो सारा गला छिल जाता है उसकी तेजाबियत से, और बहुत ज्यादा गैर मामूली तौर पर वो जख्म पहुंचा देता है। तो ये हद से बढ़ा हुआ तेजाबी फ्लूइड अगर मेदे में हो तो उसमें भी सेंगुनेरिया इलाज है। सर दर्द के साथ आमतौर पर तो कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, मगर बाज दवाओं में, बाज अमराज में जो भूख लगती है, सर दर्द के साथ भूख भी लगती है, वो उनका इलाज जिन दवाओं में पाया जाता है वो कौन कौन सी हैं? भूख और बीमारी जी नहीं, वो अगर ना बदलना था, मैं कहता था नक्स स्वामी का मरीज ऐसा है जिसको बार दफा भूख का दौरा पड़ेगा और फिर मेरा जवाब दे देगा तो दमा शुरू हो जाएगा। आमतौर पर ये कम्बिनेशन अल्टरनेशन इसमें मिलती है, या और सांस की तकलीफें शुरू हो जाती हैं बकायदा दमा ना भी हो तो, उस वक्त फिर भूख बंद हो जाती है, फिर भूख लगेगी और फिर वो मरज कम हो जाएगा। मरज और भूख इकट्ठे नहीं चलते नक्स स्वामिका में, यहाँ मरज और भूख इकट्ठे हैं, ये सोराइमन में है, फॉस्फोरस में है और सेंगुनेरिया में है। सोराइमन की भूख तो मिटती ही नहीं ना कभी, और रात को उठ के भी खाता है मरीज, और बार दफा वो उसको लगता नहीं खाना, जिसमें पतला दुबला रहता है, लेकिन भूख जो है वो हर वक्त जारी है। फॉस्फोरस में भी सर दर्द में, सेंगुनेरिया में भी सर दर्द में भूख लग जाती है, जो अजनबी सी बात है, इसलिए याद रखें इसको।
سینیریا کا جو امتیاز ہے فاسفورس سے وہ کیا ہے؟ اگر فاسفورس میں بھی درد سر درد ہو اور بھوک ہو اور اس میں بھی سر درد ہو اور بھوک ہو تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ اس کا فرق یہ ہے, بڑا واضح فرق ہے, لیکن اس کی اگر جو مرض کی اصل وجہ سمجھیں تو پھر وہ فرق واضح ہو جائے گا. جس کا نقش وامی کا ہے وہ اس کا میدے سے تعلق ہے بہت, میدہ جب بریک ڈاؤن کرے تو پھر بھوک بھی بند ہو جاتی ہے اور درد بیماری شروع ہو جاتی ہے, اور سورائمن میں بیماری بڑھے تو بھوک بھی ساتھ بڑھے گی ساتھ. فاسفورس میں بھوک اور مرض اکٹھے چلتے ہیں اور بھوک کے نتیجے میں انسان کھاتا بھی ہے, لیکن اس میں یہ تضاد ہے سینگنگ ایریا میں کہ بھوک ہے لیکن کھانے کو دل نہیں چاہتا, بلکہ بعض دفعہ جس طرح کولچیکم میں بو سے الٹی ہو جاتی ہے, قے آ جاتی ہے, اس میں بھی کھانے کی بو بھی بری لگتی ہے, بھوک ہے جو کسی صورت چین نہیں پاتی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پرسٹلا کی طرح اس نے, اس کے مریض نے چربی وغیرہ فیٹ فوڈ زیادہ کھا لیے ہیں, سر درد ہو گئی ہے, بھوک اس کے اپنے مزاج کے اندر داخل ہے, لیکن جب میدا جواب دے چکا ہو اور طبیعت بتانے کی طرف مائل ہو, اس کو الٹیاں بھی آتی ہیں تو کھانے کو دل نہیں چاہتا. تو یہ فرق بہت نمایاں ہے. فاسفورس کا مریض ضرور کھائے گا ساتھ, اور اس کا بھوک محسوس کرے گا لیکن کھائے گا نہیں. سمجھ گئے؟ کون کہتا ہے بخار ہو جائے تو پتہ نہیں, اس کا رستہ بند نہیں ہے, لیکن سر درد اگر ایسی ہوگی چاہے بخار میں ہو یا غیر بخار میں, ان دواؤں سے اگر آپ نے صحیح تشخیص کی ہو تو آرام آ جاتا ہے. اور ہومیوپیتھک میں تو سر درد کا آرام اتنا جلدی ہوتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے, پتہ نہیں لگتا کہ کیسے ہٹی ہے. بعض دفعہ ایک دفعہ نہیں بارہا میں نے دیکھا ہے, اگر تشخیص درست ہو چھٹا نہ ہو, چھٹے میں کچھ درد ہٹتی ہوگا آہستہ آہستہ, ایک دوا اگر صحیح آپ دے دیں تو کھائی تھوڑی دیر کے بعد بھول ہی جاتا ہے آدمی کو مجھے درد تھی بھی کہ سر درد تھا بھی کہ نہیں, اور کوئی یاد کرائے تو ہو ٹھیک ہے اب نہیں ہے. تو سنگنگ ایریا ابھی یہ سب دوائیں فاسفورس جب بھی وقت پہ دی جائیں گی تو حیرت انگیز کرشمہ دکھاتی ہیں, کسی وہ ڈرگ کی اسپرین وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. سینگنیریا کا میں نے بتایا تھا نا, میدے اس کی اس کا مزاج کچھ ملتا ہے نقشوامی کا سے ان باتوں میں میدے کے تعلق میں, اور میدے کی میدے میں اگر تیزابیت زیادہ ہو جائے اور پھر دمہ ہو تو نقشوامی کا کے علاوہ یہ بھی مفید دوا ہے. سینگنیریا بھی بعض دفعہ اس کی علامتیں نمایاں ہوتی ہیں, خاص طور پر چربی سے فیٹ فوڈ سے اگر میدا الٹا ہو تو نقشوامی کی وجہ یہ مفید ہے. باقی ہوائیں بڑی ہوتی ہیں ان کے میدوں میں. اس کا ڈائریا ایک دم آتا ہے, فلڈ کرتا ہے, اور اچانک آنے میں اور کون سا اچانک ڈائریا آئے تو اور کون سی دوا آپ کو یاد آئے گی؟ نہیں ایک منٹ, اور چیز ہے کروٹن. کروٹن میں اچانک ڈیولپ ہو کر بڑے زور سے وہ معدہ خارج ہوتا ہے, اور پروٹوفائلم اور ایلو ہے, کئی دواؤں میں ہے. صبح کے وقت اگر ہو تو سلفر, تو اس میں بھی فوری ڈیولپ ہوتا ہے پریشر اور پھر آدمی کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے.
एम जी हॉस्टल में हमारे एक स्टूडेंट हुआ करते थे, उनको यही तकलीफ होती थी बेचारों को, बर्दाश्त नहीं होता था एकदम। इसलिए कई दफा धोबी बदलने पड़ते थे। अब सीपिया पढ़ेंगे पहले किस विषय, ठीक है? सीपिया के साथ अमूमन जिस किस्म की औरत की तस्वीर खींची गई है वो पतली कूढ़े टांग और फ्लैट ऊपर तक कद बेशक ऊंचा हो, लेकिन बाज औरतें बाजों को ताना देती हैं तो कहते हैं फट्टा है ये। तो ये बाजार में इस किस्म का ताना बहुत खतरनाक होता है, बार दफा इसके नतीजे में बड़ी सख्त लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो वो सीपिया कहने से ज्यादा बेहतर है, गाली भी होगी। अगर बहुत ही गुस्सा आ रहा तकलीफ है तो सीपिया कह दिया करें। मैं इसलिए कह के आपको याद रहे अभी खुद बात पल्ले पर बांध लें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको गुस्सा वाली को गुस्सा उतर जाएगा, उस बेचारी की तकलीफ नहीं होगी, और क्या चाहिए। और अगर कहीं वो हमें पैक निकलाई इसकी ये जो अलामत है ये जरूरी नहीं जिस्मानी जो तस्वीर है ये लाजमी के जरूर हो तो सीपिया का केस होगा। सीपिया बुनियादी तौर पर जिगर और यूट्रस की खराबियों से तल्ल रखने वाली दवा है, और उसकी अलामतें जब किसी मरीजा में मिलें खा वो इस शक्ल की ना भी हो तब भी उसको सीपिया दी जा सकती है। बल्कि ऐसी मरीजाएं जरूरी नहीं कि सीपिया की हों, इस शक्ल की जो नक्शा खींचा गया है ऐसी मरीजा बार दफा सीपिया की होती नहीं, अंदरूनी मिजाज और होता है और बहुत नरम मिजाज और मोहब्बत करने वाला मिजाज है, हालांकि बाहरी जिस्म से ये तवक्को नहीं होती। ऐसी सूरत में सीपिया की बजाय तस्सिला ज्यादा मुफीद होगी वहां, हालांकि जिस्म सीपिया मांग रहा है तो सीपिया हो या कोई और बीमारी जिस्म की अलामतों की इतनी अहमियत न दें जितनी अंदरूनी मिजाजी इलामतों को दें। सीपिया दरअसल अपने मिजाज से पहचानी जाती है, इसकी मिजाज में एक जो एक तभी जिनसी रुझान होता है वो मिट जाता है, और सिर्फ जिनसी रुझान नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत का रुझान भी बीमार हो जाता है। यहां तक कि एक औरत अपने बच्चों की कदर करती है, ये पहले बहुत मोहब्बत करती रही है, वो अचानक उन बच्चों के लिए उसके दिल में कोई जज्बात नहीं रहेंगे। खामन के साथ अगर पहले अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं तो एकदम ताल्लुकात खराब होके उनमें गुस्सा नहीं आएगा लेकिन ताल्लुक नहीं रहेगा बिल्कुल, जैसे हुआ ना हुआ। तो नींद पागल सी औरत बैठी रह जाती है, उसको समझ नहीं आती कि मुझे क्या हो रहा है। रफ्ता रफ्ता उसके ताल्लुकात के दायरे खत्म होकर सुसाइडल मिजाज भी पैदा हो जाता है अलहदा होने का। अब जाहिर बात है कि ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन से ताल्लुक इस तरह होता कि जिस्म ऐसा जिस्म हो तो ये बातें हों तो उनको शुरू से ही ऐसा रहना चाहिए। अगर ऐसे जिस्म में ये मिजाज है तो उनको मोहब्बत होगी नहीं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। सीपिया में सीपिया की शक्ल की औरतें हों या गैर शक्ल की औरतें लेकिन सीपिया का केस हो, उनमें मुस्तकिलन ये कमजोरी नहीं है, अंदरूनी तौर पर या रहम की खराबी से या जिगर की खराबी से जब ये अलामतें जाहिर हों तो वो अगर मर्द में भी होंगी तो सीपिया ही इलाज है, क्योंकि दरअसल जिगर और यूट्रस की खास बीमारियों के बद असरात से ताल्लुक रखने वाली दवा है।
और एक डॉक्टर कहता है कि एक ऐसी मरीजा ने मेरे सामने ये कहा, आई नो आई ऑट टू हैव माई चिल्ड्रन एंड माई हस्बैंड, आई ऑट टू लव माई चिल्ड्रन एंड माई हस्बैंड, आई यूज टू लव बट नो मोर। साफ पता चलता है कि इसका तबी मिजाज मुस्तकिल ऐसा नहीं है, किसी बीमारी ने असर दिखाया है उसके बाद ये मिजाज बिगड़ा है। और इसलिए इसका जो बीमारी जाहिर होती है उसके उसकी फौरी वजूहात जो सामने आती हैं, दिस स्टेट इज ब्रॉट आउट इन वुमन ड्यूरिंग कन्फाइनमेंट आफ्टर यूटराइन हेमरेजेस आफ्टर प्रोलॉन्ग इंडाइजेशन। ये नक्शा है उस मरीजा का जो सीपिया की मरीजा बनी है और उससे पहले यह हुआ था। तो जहां इंडाइजेशन है वहां लिवर इन्वॉल्व जरूर होता है, जहां यूट्रस की तकलीफ है वहां कन्फाइनमेंट में जिन दिनों में उसको उसने बच्चा पैदा करना है उन दिनों में उसको यूट्रस में कोई खराबी पैदा हो जाती है और बाद में उसके जो हेमरेजेज हैं उनसे पहचानी जाती है। इसी तरह बच्चों को दूध पिलाने के वक्त अगर पूरी तरह गजा ना हो, गरीब मरीजा हो या और कुछ कमजोरियां ऐसी विटामिन वगैरह की कमी वाकई हो जाए तो उस वक्त भी ऐसी बीमारी पैदा हो जाती है। और वही बच्चा जिसको दूध पिला रही है उसके खिलाफ एक तबीयत में गुस्सा सा पैदा हो जाता है। जब ये बढ़ जाए तो फिर इंसैनिटी है, फिर ऐसी मरीजा पागल भी हो जाती है। इंसैनिटी की तरफ उसमें हर उस चीज से जो अच्छी लगनी चाहिए उससे नफरत, जो अच्छी नहीं रहनी चाहिए उससे नफरत नहीं। इसका मतलब है कि रिएक्शन है कोई अपने अकरबा से और तबीयत पे ज्यादा इस बात का गुस्सा कि मुझे क्यों ताल्लुक नहीं रख सकती इनसे, उसके नतीजे में खौफ से वो बीमारी फिर अपने आप से जरब खाती रहती है, बढ़ती चली जाती है। अच्छा, अब एक्साइटेबल मरीजा है, सब किताबें इसको कहते हैं एक्साइटेबल है। अगर एक्साइटेबल हो तो वो जो पैसिव एटीट्यूड है वो हो ही नहीं सकता। असल बात यह है कि एक्साइटेबल होती है लेकिन कुछ इसका मिजाज उससे मिलता है, वो जो आपको पहले दवाई बताई थी जो दबा देता है, जो बात को दबाती है तकलीफें पैदा होती हैं। क्या स्टेफिसेग्रिया, स्टेफिसेग्रिया, और इसमें ये बात मुश्तरक है कि स्टेफिसेग्रिया में तो हर जज्बात को इंसान अपनी शराफत की वजह से अगर दबाए, गुस्से को भी पी जाए और रफ्ता रफ्ता वो अंदरूनी दबाव इतना बढ़ जाए कि जुबान पे बेशक काबू रहे लेकिन असाब बेकाबू हो जाए और गैर मामूली तौर पर एहसास हो जाए, वो स्टेफिसेग्रिया का केस है। और अगर हसास औरत है अपने गिर्दो पेश को ऐसी चीजें देख रही है जिसको एनालाइज भी नहीं पूरी कर सकती, मगर खसूसियत से अगर अंदरूनी बीमारी के नतीजे में उसके ऊपर बद असर पड़ रहा है और वो है हसास, तो उसका रद्द अमल पैदा होता है। अब हम बच्चे से कौन और प्यार नहीं करेगी जब उसको दूध पिला रही है, लेकिन दूध पिलाने के वक्त अंदरूनी कमजोरियां आ रही हैं, निढाल हो रही है, उसे चिड़चिड़ापन पैदा होता है। और फिर जब हृदय में एकदम फटता है तो हर वो चीज जो अच्छी लगनी चाहिए उससे इंसान को बेताल्लुकी पैदा हो जाती है और ये अच्छा नहीं लगता, उसको महसूस करती है कि ये गलत है। दिमाग नॉर्मल है लेकिन इन जज्बात पर इख्तियार नहीं, फिर दिमाग खराब होना शुरू होता है। और ऐसी औरतें कुछ अरसे के बाद अगर वो पागल हो जाए तो उनमें खुदकुशी का रुझान नुमाया होता है। यानी सबका एक तभी फितरी गहरा रद्द अमल है कि मैं खत्म हुई क्या जिंदगी है। तो अगर वक्त के ऊपर ऐसी औरतों को सीपिया दी जाए तो खुदा के फल से बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसकी जाहिरी रामतों में एक नाक के ऊपर जैसे परिंदा बैठा हो, पैर उसके दोनों यहां से शुरू होता है, काले रंग का निशान यहां फैल जाता है। ये सीपिया में इतना नुमाया कहा है कि सब लोग जो होम्योपैथ पढ़ते हैं
वो ये निशान देते ही सीपिया तजवीज कर देते, मैं भी किया करता था, मगर मुझे तो कभी कोई ऐसा खास इसमें फायदा दिखाई नहीं दिया। सीपिया का मिजाज हो और जिगर की खराबी से यह निशान हो तो वो ठीक हो जाएगा। अक्सर जिगर की खराबी से होता है या यूट्रिन इन्वॉल्वमेंट से हो, लेकिन सीपिया का मिजाज होगा तो ठीक होगा, वरना नहीं होगा। जितने मर्जी आप दे लें, मिजाज वही है जो अब मैंने बताया आपको। सेंसिटिव औरत जिसके जज्बात मजबूत हो चुके, जज्बात नम हो चुके हों, उन पर एक किस्म का फारिज वाक़या हो जाए, उस मरीजा को अगर चेहरे पर दाग हैं, खासतौर पर नाक से इस तरफ या और भी बाजार सारे चेहरे पर एक स्याही सी आ जाती है जो बीमारी की निशानी है, उसमें सीपिया मुफीद है। जॉन्डिस इसकी नुमाया है इसमें। अब जिगर की खराबी मैंने आपको बताया था, वो जॉन्डिस पर मुंतब हो जाती है। और जिगर जो अपना असर दिखाता है वो चेहरे पर इस खास निशान के जरिए दिखाता है। जिस तरह प्रेगनेंसी में बाद औरतों के मुंह पर छाइयां सी पड़ जाती हैं, काले स्याह दाव या जगह जगह बेरौनक उखड़ा हुआ सा चेहरा नजर आता है, तो सीपिया में बगैर प्रेगनेंसी के भी ये अलामतें जाहिर होती हैं। इसका अमूमन वॉट्स निकलने की भी टेंडेंसी है, मगर वो ब्राउन रंग के होते हैं। और अगर वो दूसरे रंग के हों, बाद सुर्ख रंग के भी वॉट्स होते हैं या गुलाबी रंग के, तो सीपिया में खास निशानी यह है कि उसमें पिगमेंट्स पड़ जाती हैं, यानी वो मोकों के अंदर काले काले स्पॉट्स या गहरे ब्राउन रंग के स्पॉट्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ये खास सीपिया से तबर रखने वाली इलामत है। लिवर स्पॉट्स में भी ये मुफीद है, लेकिन वही अगर इलामतें मौजूद हों तो। लिवर स्पॉट्स आपके यहां भी इस्तेमाल है डॉक्टर साहब कि नहीं? बाजों के जिस्म पे सफेद या हल्का ब्राउन रंग, ब्राउन को क्या कहते हैं, नस्वारी सा भूरा, हाँ भूरा, गोल गोल स्पॉट से पड़ जाते हैं और बाल सफेद जिस्म पे ऐसे फैल जाते हैं, लेकिन वो फुलबेरी नहीं है, वो अमूमन जिगर की खराबी से ये निशान पड़ते हैं। इनका होम्योपैथिक में नाम लिवर स्पॉट्स है। अगर ये ब्राउनिश हो या येलोइश हो तो फास्फोरस ऐसी बीमारियों में बहुत अच्छी है, और सीपिया भी, दोनों जिगर की तकलीफों की दवाएं हैं। अगर व्हाइटिश हो तो मर्कसॉल या किल्केरिया या और कोई दवा जिसका जिसमें स्पॉट्स दर्ज हो ये खुद देख लें, लेकिन व्हाइट स्पॉट्स और ब्राउन स्पॉट्स के फर्क से दवाइयों में भी फर्क पड़ जाता है। इसमें कॉन्स्टिपेशन की भी टेंडेंसी है सीपिया में, लेकिन खासतौर पर प्रेगनेंसी में ये बढ़ जाती है और एक्सपेल करने की ताकत कम हो जाती है। इसीलिए सीपिया की मरीजा राइश के वक्त भी दिक्कत महसूस करती है, क्योंकि मसल्स को अपने पूरे, एक तो तभी हरकत होती है मसल्स में, एक बिलरादा हरकत से उनको मदद दी जाती है, उसमें ये कमजोरी है सीपिया में, इजाबत के वक्त भी और पैदाइश के वक्त भी पूरी ताकत से सारे जिस्म के इत्तेफाक यानी ताउन के साथ जो बच्चा पैदा करने के लिए जरूरी मूवमेंट हरकतें हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, और उसको फिर और मदद देनी चाहिए। सीपिया के केसेस में अगर सीपिया मददगार ना हो तो कोलोफाइलम मददगार होती है, बाजार जर्सीनियम काम आ जाती है। खासतौर पर कोलोफाइलम जर्सीनियम तो
بہت ہی اہم ہیں جو پیدائش کے وقت ڈاکٹروں کے پاس ضرور رہنے چاہیے. اور ساری کار اور پرسٹیلا یہ دوسرے درجے پر بہت ضروری ہے. اور اگر سینیسی فیوجا کا کیس ہو تو وہ بالکل صاف پہچانا جاتا ہے. کسی کو پتہ کیسے پہچانا جائے گا سینیسی فیوجا کا, جس کو ایکٹیا ریسینوسا بھی کہتے ہیں. ہاں بس آفا ماشاء اللہ قابل عورت ہے. کیوں بھائی امتیاز صاحب آپ کو ہر دفعہ ہرا دیتی ہے لیکن لکھنے میں آپ بہتر ہیں ماشاء اللہ. یہ دردیں نیچے یوٹرس میں جاتی ہیں اور پورا اسی سمت میں بچے کو دھکیلنے کی بجائے دائیں بائیں کنویں میں چلی جاتی ہیں اور وہاں اسپیزم بن جاتی ہیں, اور جس قدر لیتے ہیں وہاں اسپیزم زیادہ ہو جاتا ہے. اتنی نمایاں علامت ہے کہ مس ہو نہیں سکتی. کولوفائلم میں نمایاں علامت یہ ہے کہ منہ کے اوپر تشمج اور بند, جنسینوں میں اعصابی کمزوری اور خشکی, اور بالعموم اعصابی طاقت کی کمی نمایاں ہو جاتی ہے. اور اگر یہ فرق نہ پہچان سکیں کوئی آدمی, بعض دفعہ ایک مریضہ کا کیا پتا کون ہے, اس کی عام حالات کیا تھے, پہلے کولوفائلم دیں پھر جنسینیم ٹرائی کریں. اور پرسٹیلا میں یہ ہے کہ ہلکی نرم دردیں ہیں جو اٹھتی ہیں نارمل طریقے پر ہی, مگر دردوں میں بحیثیت درد کے طاقت زیادہ نہیں ہے. اور عورت کا مزاج نرم ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے نفسیاتی اثر ہے اس کا کچھ, کہ وہ چونکہ وہ دردوں کو زیادہ محسوس کرتی ہے اس لیے جلدی دردیں جواب دے جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں پرسٹیلا کی ایک دو خوراکیں بہت زیادہ اثر دکھاتی ہیں, بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک اور بات ہے کہ جو الٹے بچے, جن کو دراصل سیدھے ہیں لیکن الٹا اس لیے کراتے ہیں کہ نارملی بچے کا سر نیچے ہونا چاہیے, جو سیدھے ہوں وہ الٹا کیس کراتا ہے, ریچ کیس, یعنی ان کی پیچھ پہلے آتی ہے اور سر بعد میں. ان میں پرسٹیلا عموماً مفید ہے لیکن 200 میں دیا کرتا ہوں, بعض دفعہ نہیں ہوتی مفید. وہاں کیا دوائی چاہیے یہ ابھی تحقیق ہونے والی ہے. اور سب سے مشکل کیس ہے ٹرانسفرس, جہاں بچے کا سر ایک طرف دائیں طرف ہے تو پیٹھ بائیں طرف ہے, جو الٹ ہے. اس میں بھی ابھی تک مجھے کوئی کامیابی نہیں ہوئی, بلکہ ایسے کیسے یہاں جو رپورٹ ہوئے آخر ان کا آپریشن کروانا پڑا. تو یہ میں پوچھ رہا ہوں دنیا کے ہومیوپیتھ سے, اگر ان کے علم میں واضح یقینی طور پر ایسی کوئی دوا ہو جہاں پرسٹیلا فیل کر جائے تو وہ شروع کر دے کام, یا دائیں بائیں کی طرف کو ٹھیک کرنے والی دوا ہو تو وہ کیا, کون سی دوا ہے, کس پوٹینسی میں لینی چاہیے. کولوفائلم پر میں نے بعض لوگوں کو کافی تجربہ کریں, پتہ نہیں ابھی تک جواب نہیں ملا. ممکن ہے کولوفائلم یا جلسینیم یا کالی کاب یا لیک ڈیفلوریٹم, ان میں ممکن ہے یہ ان میں سے کوئی کامیاب ہو. سی پی ایم میں ہنگری فیلنگ جو ہوتی ہے, ایمٹی ہنگری فیلنگ, یہ ایسی ہے جیسے سلفر میں بھی ہوتی ہے. سلفر میں خاص طور پر 11 بجے یوں لگتا ہے جیسے کھرچ جائے ہاتھ, میدے میں بھوک جو اچانک کمزوری بھی پیدا کرتی ہے میدے میں اور کھرچن کا احساس, یہ سی پی ایم میں بھی پایا جاتا ہے. لیکن سی پی ایم کو کھانے سے آرام نہیں ملتا, سلفر کو اگر فوراً کھانا مل جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ اگر یوٹرس گر گیا ہے نیچے یا ریڑھ کی ہڈی میں پرولیپس کے نتیجے میں
वो तकलीफ हो जाती है मसल्स के खराब होने की वजह से, तो वेक्सस हो जाता है। अगर ये भूख वाली इलामत हो तो खा किसी जगह प्रोलैप्स हो, सीपीएफ फौरन असर दिखाती है। बाद जगह जो इसकी खास हैं जहां इसका कब्जा है उनमें से एक ये है, प्रोलैप्सस इफ एकम्पनीड बाय दैट गनोइंग हंगर व्हिच आई जस्ट डिस्क्राइब्ड, देन सीपीएफ वुड बी द रेमेडी, इट इज ऑलवेज क्यूरेटिव। लेकिन ऑलवेज जब ये कहते हैं तो मुराद है कि इल्ला माशाल्लाह, कोई दुनिया में माकूल आदमी ऑलवेज का हतमी दावा कर ही नहीं सकता। तो मुआवजा अक्सर हमें यही दिखाई देता है, सवाल इसके कि अल्लाह की मर्जी मुख्तलिफ हो। इसके ये भी हमल की मतलियों में बहुत मुफीद है, हमल की खैर में इसका निशान क्या है, किसी को याद है कि हमल की कह में बहुत दवाएं हैं, सीपीआर का इम्तियाजी निशान क्या है? कब्ज तो है ही, मगर वो तो और भी दवाओं में है। इसका एक ऐसा इम्तियाजी निशान है जो दूसरी दवाओं में नहीं मिलता, वो याद रख लें। इसकी हमल की तकलीफों में खाने के बाद सफेद दूध या रंग का लिक्विड निकलता है। आमतौर पर जब मैदा खाली हो जाए तो फिर सफरावी मादे निकलते हैं, एसिड खाली निकलता है, लेकिन सीपीएम में पता नहीं क्या चीज है कि सफेद दूध या मादा पैर के आखिर पर जब खाना खत्म हो जाए और खाली मैदे के गुलाब रह जाए वो सीपीएम में नजर आता है। अगर प्रेग्नेंट वेमन हो और मछली हो और ये अलामत नजर आए तो सीपिया ही दवा है अलग वजह से। और इसके लिकोरिया में भी ये निशान पाया जाता है, मिल्की रंग। मुंह का मजा और खुशबू बू का एहसास दोनों इस बीमारी से, इस दवा से मुतासर होते हैं। और बाद दफा तो बू बंद हो जाती है, मजा खत्म हो जाता है, लेकिन बाद दफा बू के खिलाफ वही मछली वाला रद्दा मिल भी पैदा हो जाता है। हर्पीस जोस्टर एंड हर्पीस जेनिटेरिस दोनों इसमें पाई जाती हैं। रिंग वर्म्स इसमें पाए जाते हैं। हर्पीस की दो किस्में हैं, एक जिनसी अमराज से तल्लुक रखने वाली हर्पीस है, एक आम है जो आमतौर पर लोगों के आसाब में मिलती है। हर्पीस उस बीमारी को कहते हैं जो जिल्द के ऊपर आसाब के रस्तों पर छाले छाले से पड़ने शुरू हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये दरअसल जिल्दी बीमारी नहीं है बल्कि आसाबी है और बहुत तकलीफ दे है, खासतौर पर अगर चेहरे पर हो तो उससे खतरा होता है कि अगर आंख में चली जाए तो आंख अंधी हो जाती है हमेशा के लिए। दिमाग पर हमला हो जाए तो फिर मुस्तकिल अंदर उसका जो प्लूरा है दिमाग के लिए उस पर सोजिश के असर लंबा अरसा फिर रहते हैं। कई दफा इसके नतीजे में अगर ये ना संभाली जाए तो मिर्गी भी हो सकती है। इसलिए हर्पीस को पहचानना फौरी है, जरूरी है। और हर्पीस का जो तफसीली इलाज है ढूंढना वो ज़रा मुश्किल काम है। मैंने एक फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है हर्पीस में, वो अलग फल से बहुत ही इफेक्टिव, और चेहरे वगैरह के ऊपर हर्पीस हो देखते देखते वो खत्म हो जाता है सर। वो है आर्मी का आर्सेनिक और लीडम। और बार दफा नेत्र में जाना पड़ता है लीडम की वजह। ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। हमारे यहाँ
हुआ था हमारे अभी सबको हो गई थी एक दफा चेहरे की याद है, और बड़ा सख्त डॉक्टर ने डरा दिया था हमको, मेरे पेशेंट को यही कम्प्लिकेशन दिया। दूसरे किसी ने हंसते हुए कि मेरे को वाय वो ब्लॉचेस से रह गए, और डॉक्टर भी हैरान थे कि कैसे हो सकता है, क्योंकि ये अपना वक्त लिया करती है दवाई बीमारी। मेरे भी हाथ पे यहाँ हरपीज हुई थी इस हिस्से में, यहाँ मुझे याद है तकलीफ बड़ी नुमाया थी, लेकिन होम्योपैथिक इलाज मैंने किया, बड़ी जल्दी ठीक हो गया था लगभग से। उस जमाने में रवा में बड़ी थी ये हरपीज। मौसमों से भी ताल्लुक है इसका कोई? गर्मी में हुई थी, मगर गर्मी में मालूम होता है जो आसार जवाब दे जाए, वहां की बड़ी सख्त गर्मी होती थी रगवा में। उनका राज तो शराब ने किया था, मैंने तो नहीं किया लेकिन हो गई थी उनको, मुझे काफी तकलीफ थी। स्किन ट्रबल्स जो है इसकी, उनमें हर्पीस मैंने आपको बताया ना, ये रिंगवर्म्स भी पैदा करती है इसमें स्किन पर, और हर्पीस भी, लेकिन इसकी अलामतें दूसरी अगर साथ हों उससे मरीज पहचाना जाए फिर ये दवा दी जाती है, वरना आमतौर पर हर्पीस के नाम पर कोई फायदा नहीं। एल्बोज में, जॉइंट्स में एक्जिमा सा क्रस पैदा हो जाए, उनमें सीपी अच्छी दवा है। स्कील बनती है इससे, जिस तरह मछली के चाने से हो उस तरह चाने बन बन के उतरते हैं। इसमें भी स्पेल्स और वीपिंग जिस तरह पस्टिला में है, लेकिन पस्टिला में तो मुस्तकिल नरम मिजाज है, इसमें कुछ ऐसा डेवलप होता है प्रेशर से एकदम ब्रेकडाउन होकर, तो वो अलग होकर रहेगी औरत, और हमदर्दी नहीं चाहेगी बल्कि उसके अपने अंदर ही एक एहसास है कि मैं बेकार हूं, छोड़ी गई हूं। भूतों का खौफ भी, ये तो फिर आम दुनिया में पाया जाता है। पीरियोडिक हेडेक्स जिसमें बाइल बहुत हो रहे मेदे में, बाइल से बिलियस कड़वी क्या होती है, उसमें सीपिया मुफीद है। पूरी नींद करने से पहले अगर उठा दिया जाए तो उस सरदर्द में सीपिया भी मुफीद है। पूरी अगर नींद मिल जाए इसको सरदर्द में तो पूरी तरह आराम आ जाता है, तो नींद बहुत मुफीद है। अभी सीपिया बाकी है, वक्त खत्म हो गया है, अब इंशाल्लाह सफर से वापसी पे, ये आज दूसरा दिन था ना हमारा, आज का हफ्ता खत्म है, तो बाकी बातें फिर इंशाल्लाह फिर से सवाल के लिए हमें 5 मिनट पूछे, अगर पुआ में गुजारिश हो 5 मिनट दे दें, इस दवा को खत्म ही करके तकसीम कर नहीं, फिर मैं गलत कह रहा हूँ, आगे फिक्स किया हुआ होगा ना कुछ, ठीक है, शुक्रिया। कटारल सिम्टम्स आंख में, पस्टूल, ग्रेन्युलर लिड्स, अल्सर, हर किस्म की तकलीफें, याद रखें अगर ये दो बुनियादी कमजोरियां पाई जाएं, जिगर की खराबी या यूट्रस की खराबी और सीपिया का मिजाज, तो इसमें हर किस्म की जल्दी तकलीफ पाई जाती है, और जो सीपिया मिजाज के साथ ताल्लुक रखने वाली खवातीन हो या मर्द भी हों, उनको जल्दी तकलीफ में जो मर्जी दूसरी दवाएं दें, अगर सीपिया का केस है तो सीपिया ही से ठीक होगा। मैंने कई बार बाद सा देखा है, बहुत मिलती जुलती इलामतें होती हैं जिल्द पर, और मैं जल्दी इलामतों से दवा तलाश करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कई दफ़ा आदमी 5-5, 10-10 दफ़ा कोशिश करता है, कोई असर नहीं होता, तो उसका मतलब यह है कि कोई ख़ास दवा है जिसका उस बीमारी से ताल्लुक है। अमूमी इलाज करना छोड़ो और उस दवा की तलाश करो इलामतों से। उनमें सीपिया की ये इलामतें मैं बता रहा हूँ,
अपनी जल्दी बीमारियों से नहीं पहचानी जाएगी इलामतों से, क्योंकि वो बहुत दवाओं में मुश्तरक हैं, लेकिन इसका माहौल, इसका पस मंजर, इसका मिजाज, ये अगर किसी मरीज में होगा तो उसको आप सीपिया जल्दी अमराज से भी शफा दे सकती है अल्लाह के फजल से। इसके भी सल्फर की तरह कानों में क्रॉनिक डिस्चार्जेस, येलो पस और बदबूदार, नाक में पुराना मरीज़ जो बैठ जाए जिससे बजाय भूरे रंग के सफेद रंग के चूहे निकले, तो वो खास अलामत है सीपिया की। हर किस्म का ब्रेकडाउन खुलासतन ये कह सकते हैं, ख्वाब वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स का हो या जिल्द का हो, अगर असल पीछे जिम्मेदार यूट्रिन की खराबी, यूट्रस की खराबी और जिगर की खराबी हो और मिजाज सीपिया का हो, तो इन तीन शर्तों के साथ वो दवा जरूर काम करती है इल्ला माशाल्लाह। और भूख की अलामत बता दी है मैंने आपको, नॉइंग है लेकिन तसल्ली नहीं होती और मिटती नहीं भूख खाना खाने से। पेशान के लिए फास्फोरस का मैंने आपको बताया था, टिपिकल हंगर है उसकी, जो खाने से आराम पा जाती है। इंग्लिशिया में भूख है, मुस्तकिल हंगर, लेकिन आहें बहुत हैं साथ, इसलिए वो भूख की अलामत की बजाय अपनी आहों की अलामत से मरीज पहचाना जाता है। बैठे बैठे बाद जो है वो आहें भरते रहते हैं, और ख्वाब वो फौरी सदमा हो या ना हो, वो उनके मिजाज में आहें दाखिल हो जाती हैं, उनमें इंग्लिशिया काम करती है। और अगर ऑल गॉन एम्प्टी फीलिंग हो और मरीज ये समझे कि बस अब मैं ठीक नहीं हो सकता, तो वो जिगर की गहरी बीमारियों से ताल्लुक रखती है, उसमें ओलियंडर बहुत अहम दवा है। ओलियंडर की और नाम थे क्या डॉक्टर साहब? इसमें स्टूज स्याह रंग के होते हैं ज्यादा, ओलियंडर में जिगर की खराबी और ज्यादा स्याह रंग के स्टूज, यानी इसमें जो बाइल है वो बाकी जिगर की बीमारियों में जो आमतौर पर बाइल बनना बंद होकर या खाने की नाली में मिलता नहीं है, तो स्टूज का रंग फीका, भूरा, मिट्टी का रंग और फिर सफेद हो जाता है। ओलियंडर उन दवाओं में से है जिसमें ओवर एक्टिव हो जाता है बाइल और उसकी वजह से स्याही मायल हो जाता है रंग। बाज दफा स्याही मायल रंग होता है खून मिलने से, बाज दफा बाइल ज्यादा होने से भी होता है। तो ओलियंडर में बाइल की अलामत असाल भी हो तो गहरे स्याह रंग के आते हैं। और काली कार में भी मिलती है इलामत भूख वाली, और लाइकोपोडियम में भी मिलती है। लाइकोपोडियम में मीठे की ख्वाहिश बहुत होती है। और सेमिनेरिया में मीठे से सरदर्द हो जाती है, बार दफा मीठा खाने से सरदर्द बढ़ती है, दरअसल वो एसिड पैदा करता है। सही मेलिया की रामते में बताया ना, एसिड बहुत ज्यादा है इसमें, तो लिखा होगा मीठे से सरदर्द, मुराद यह है कि मीठा खाने वालों को एसिड ज्यादा हो जाता है। इसमें सीपीएम में स्टूल्स जब या कब्ज होगी या वो होगा डायरिया होगा, डायरिया में जेली लाइक सब्सटेंस शामिल होता है साथ, तो वो जो सफेद रंग का जो
मादा है जो उल्टी में भी पीछे आता है, लिकोरिया में भी दाखिल हो जाता है, वो इसकी कोई खास ऐसी चीज है जिसकी हमें समझ नहीं आई वो क्या चीज है, लेकिन अंतरियों से भी निकलता है वो मादा और स्टूल में भी जेली लाइक सरफेस ही पैदा कर देता है उसके ऊपर। हार्ट स्टूल में भी वो जेली जेलेटिन की कवरिंग होती है इसमें। एक पेशी में भी जेली लाइक स्टूल्स और खून मिला हुआ। बदबू भी बहुत है इस दवा में, हेमोराइड्स की तकलीफ बहुत पाई जाती है, पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा रिटेन हो जाए तो उससे बहुत गहरी तकलीफें, बाद में मौत भी वाकई हो जाती है अगर वो सेप्टिक हो जाए ज्यादा। उसमें प्लेस्टिला जहां काम नहीं करती वहां और जो दवाएं हैं जो इस याद रखनी चाहिए, एक सीपिया है। प्लेस्टिला और सीपिया उस वक्त तक मुफीद हैं जब तक खून के अंदर जहर दाखिल ना हो गया हो। जब खून में जहर दाखिल हो जाए तो सल्फर और पायरोजेनम जरूरी है फिर, और बिला ताखिर देनी चाहिए दोनों मिला के। आमतौर पर 200 में मुफीद है। छठे और सातवें महीने की तकलीफों में ये सीपिया ज्यादा काम करती है प्रेगनेंसी के दौरान। जो मैंने रामसेन बताई थी ना कि अचानक ताल्लुकात फीके से पड़ जाते हैं, इसमें कैंप में भी लिखा हुआ है कि मेल और फीमेल दोनों में यह कदर मुश्तरक है। इसको बाद वो खाम खा सिर्फ औरतों के साथ मंसूब करते हैं, ये नहीं है। मर्द में भी ये बात हो और इसी किस्म का मिजाज हो तो उसको भी सीपिया ठीक करती है। मेंसेस वगैरह बंद हो जाए बेवजह बच्चों में, इन छोटी उम्र में जो बच्चियों में, या बड़ी उम्र में दूध पिलाते वक्त औरतों के मेंसेस बंद हो जाए, उस सूरत में सीपिया मुफीद है। कैल्केरिया, और इसमें एक फर्क है, कैल्केरिया में मैंने बताया था सर्दी लग जाए छोटी उम्र में, जब यानी टीनेज की उम्र में मेंसेस हो तो सर्दी लग जाए, और इसमें उस वक्त की तकलीफ भी है और दूध पिलाने के वक्त भी, लेकिन दूध पिलाने में इस कैल्केरिया और इसका एक फर्क है। इसमें दूध पिलाया जाए जब सीपिया पिलाती औरत की दूध पिलाती है तो उसके मैसेज बंद हो जाते हैं और कैल्केरिया में जारी हो जाते हैं। नॉर्मल ठीक बंद है लेकिन जब वो दूध पिलाएगी तो दंड से शुरू हो जाएंगे। ये जो खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये कैल्केरिया की अलामत है। तेजाबी मादा खून में बहुत मिले हुए होते हैं। एक खांसी उठी है सवाल वाली, अभी पूछता हूँ। टांगों में हर जगह रूमेटिक दर्दें, ये भी आम हैं। मोरेक्स में और इसमें बाज अलामतें मिलती हैं। ये जो मेंसेस वगैरह की अलामतें मैंने बताई थी ये सारी ही म्यूरेक्स से मिलती हैं सीपीएम में, लेकिन बुनियादी फर्क जो बहुत ही नुमाया और तमीज करने वाला है वो ताल्लुकात का अंदाज है। जो ताल्लुक के जज्बात म्यूरेक्स में बहुत बढ़ जाते हैं और ख्वाहिशें बड़ी बढ़ जाती हैं और सीपीएम में मर जाती हैं, तो इसलिए इसमें कोई इश्तबाह नहीं रहता। बाकी एक्सरसाइज अगर दरमियानी की जाए तो तकलीफ बढ़ती है सीपीए में, अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करें तो फिर इसको काफी रिलीफ मिलता है।
हाथ पांव का सोना वगैरह इसका मलेरिया में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उस मलेरिया में जिसमें केओस हो और कोई ऑर्डर ना हो। ऑर्डरली मलेरिया अपने वक्त के ऊपर जाहिर होने वाला, किसी पर चढ़ता है जो उतरता है उसमें मसलन ये नेटवर्क में बड़ी नुमाया है, लेकिन जिस मलेरिया का सर ना पैर कभी चढ़ा कभी उतरा ना उसके वक़ात का कोई हिसाब, उसमें सीपिया ऑर्डर पैदा कर देती है और फिर आप असल दवा को पहचान सकते हैं या सीपिया ही शफा का वजू बन जाती है। ये आज हमने सीपिया पूरी कर ली है, समीरिया यह तकसीम करा दो ठीक है, और बाकी जो हैं वो मैं इन पर या नोट कर लो कि अभी हुई नहीं और तकसीम करा दो ठीक है, ताकि हमारा वो जो है प्रिस्क्राइबर जल्दी तैयार हो जाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।